नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कॉनकॉर के बारे में, जिसे हम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो रिसेंटली देखिए, इसका रिजल्ट आया है कॉनकॉर का, और अगर आप देखोगे आज जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में अच्छी खासी लॉस देखने को मिला, लेकिन लॉस के चलते इतना इफेक्ट देखने को मिला कॉनकॉर में कि -15.16% के साथ ये 386 पे आज क्लोजिंग दिया, जो -15.16% है, ये बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं इस ड्रॉप के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना। तो चलिए जानते हैं इस ड्रॉप के पीछे कारण क्या है। बस लॉस देने से ही थोड़ी ना कंपनी में इतना सारा बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है, इसके पीछे दूसरा कारण है। तो चलिए हम आज क्या करेंगे, कॉनकॉर का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, और आने वाले दिनों में आपको इस काउंटर में क्या करना है। आपके पास शॉर्ट टर्म होल्डिंग पड़ी हुई है, आप नया फ्रेश अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहते हो तो उसके साथ क्या कर सकते हो, और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग पड़ी हुई है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, आपके सामने मैंने ओपन करके रखा हुआ है कॉनकॉर का रिजल्ट, ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला डिस्कस करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू में देखिए यहाँ पे इसको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, पिछले साल जो रेवेन्यू था इनका वो था 1722.79 करोड़ रुपीज। सारे नंबर्स यहाँ पे क्रोर्स में है, और इस साल देखिए बन गया ये 1251.50 करोड़ रुपीज। तो इसमें देखिए जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, और ये गिरावट कम से कम आप 30% प्लस रहा, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं टोटल प्रॉफिट, एक बार देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको टोटल प्रॉफिट भी दिखा लेता हूँ। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हो, पिछले साल था इनका 242 करोड़ रुपीज, 242.51 करोड़ रुपीज, लेकिन इस साल देखिए 58.16 रुपीज इनका प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए जबरदस्त गिरावट, 75%, कम से कम 75% की आपको गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट में। तो देखिए टोटल रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली और टोटल प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली। तो इसी के चलते स्टॉक के प्राइस में आज 15% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन 15% गिरावट के पीछे दूसरी वजह भी है। तो चलिए वो वजह भी हम आपको बताते हैं, तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने वजह बताई है 0.5 पे। तो ये पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, चलिए मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ तो आपको इजीली रहेगा, इजी रहेगा पढ़ने में। मेरे साथ बने रहिए, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे इन्होंने क्या हाईलाइट किया हुआ है, 2019 फाइनेंशियल ईयर तक, ठीक है, ये बात ध्यान में देखिए, ध्यान देके सुनिए। 2019 फाइनेंशियल ईयर तक कॉनकॉर को लैंड लाइसेंसिंग फी देना रहता है रेलवेज को, क्योंकि ये रेलवे को बहुत सारे लैंड यूज करते हैं और ये लीज बेसिस पे रेलवे से लैंड लिए हुए हैं, ठीक है। और इनको जो प्राइस देना होता है वो TU, मतलब जो वॉल्यूम के हिसाब से इनको प्राइस देना रहता है रेलवे को। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने बोला 19 मार्च 2020 को उन्होंने ये बोला कि भैया हमें अभी वॉल्यूम के बेसिस पे पैसा नहीं लेना है, हमें पैसा लेना है आपको यूसेज लैंड के हिसाब से। तो चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो आपको क्लियरली दिखेगा, इन्होंने क्लियरली बोला कि हमें पैसा चाहिए अभी लैंड यूसेज के बेसिस के ऊपर। तो उसके चलते इनको अच्छा खासा पैसा, और ये कितना देना रहेगा, 6% ऑफ द, अगर मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड। तो ये 6% इनको अभी पैसा देना रहेगा रेलवेज को, और ये फर्दर इंक्रीज होगा, 7% एनुअली इंक्रीज हो जाएगा। इसी के चलते कॉनकॉर को ज्यादा पैसा देना रहेगा, कितना ज्यादा रहना देगा वो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इन्होंने देखिए रेलवे ने डिमांड किया है, ठीक है, रेलवे ने डिमांड किया है 776.89 करोड़ रुपीज कॉनकॉर से। ये बस ओखला और तुगलकाबाद, जो कि आपका
दिल्ली सेक्शन में आता है, उसी के लिए बस 776.89 रुपीज करोड़ का इन्होंने डिमांड किया है। तो उसके चलते इनको अच्छा खासा लॉस सहना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर लैंड का प्राइस में बढ़ोतरी आएगी तो इनका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी के चलते इसका जबरदस्त इफेक्ट कॉनकॉर के शेयर के प्राइस में आपको देखने को मिला। तो चलिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लाइव मिंट का एक आर्टिकल दिखाता हूँ। तो इस आर्टिकल में आप क्लियरली देख सकते हो जो कॉनकॉर है वो हायर लैंड लाइसेंसिंग फीस के चलते, यहाँ पे आप देख सकते हो हायर लैंड लाइसेंसिंग फीस के चलते आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये देखिए लाइव मिंट के आर्टिकल में अच्छा खासा क्लियरली लिखा है, हायर लैंड फीस के चलते कॉनकॉर को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए कॉनकॉर के प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो चलिए अगर मैं इसको नीचे करूँ तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, रेलवे ने डिमांड किया हुआ है आपका 776.9 करोड़ जस्ट फॉर टू टर्मिनल एंड दिल्ली फॉर द करंट फिस्कल ईयर। और इसके बेसिस पे अगर सारे का सारा लैंड यूसेज फीस इंडियन रेलवे डिमांड करती है तो कम से कम इनको 1000 करोड़ रुपए देने होंगे पर एनम के बेसिस पे, पर ईयर के बेसिस पे, जो कि कनकर के इनिशियल एस्टिमेट से डबल है। तो इसी के चलते स्टॉक के प्राइस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला हुआ है। और अगर मैं आपको दूसरी बात हाईलाइट करना चाहूंगा तो इसके चलते इन्होंने कॉनकर ने ऑलरेडी इंडियन रेलवे को लेटर लिख चुका है, ऑलरेडी रेलवे के साथ ही कांटेक्ट में है, लेकिन रेलवे से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया है। और कॉनकर का कैलकुलेशन ये है कि इस फिस्कल ईयर के लिए कम से कम इनको 450 से 480 करोड़ देना रहेगा लैंड लाइसेंसिंग फीस के चलते। तो इसीलिए देखिए शेयर के प्राइस में इसको मार्केट ने अच्छी तरह से नहीं लिया है और शेयर के प्राइस में 15% की गिरावट हुई है। तो चलिए वापस हम अपने चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में आपको इस काउंटर में क्या करना रहेगा। देखिए हम वापस अपने चार्ट पे आ चुके हैं, हाईलाइट करना चाहूंगा 6 मई को इसने लो बना 325 का, उसके बाद देखिए शेयर के प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी और 20 जुलाई तक ये शेयर का प्राइस चला गया 473 तक। तो यहाँ पे देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी इसको देखने को मिली, उसके बाद देखिए शेयर थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा था लेकिन आज यहाँ पे देखिए अच्छी खासी जबरदस्त गिरावट, 15% की गिरावट, और शेयर आज क्लोजिंग दिया है 386 को। तो चलिए जानते हैं आपको करना क्या। देखिए आपको अभी क्या करना है, अगर आपके पास पहले लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात कर लेते हैं, देखिए आपके पास अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। आज देखिए सडन ड्रॉप आया 15% का, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो देखने के लिए कि शेयर के प्राइस में करेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो और शेयर का प्राइस और भी नीचे जा रहा है। तो देखिए जो 343 यहाँ पे देखिए 325 343 के बाद यहाँ से जो स्टॉक बाउंस हुआ था तो इस लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है, प्राइस जाता है, तो आप इस पोजिशन से एग्जिट ले सकते हो। देखिए 325 जो है वो मैं लिख लेता हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो अपना 325 के आसपास, क्योंकि इसी से देखिए प्राइस बाउंस होके ऊपर गया हुआ था। ठीक है, ये हम बात करके लॉन्ग टर्म भी। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हम बताएंगे आपको, आप थोड़ा काउंटर पे वेट करो, क्योंकि देखिए रिसेंटली रिजल्ट आया हुआ है रेलवे का, अच्छा खासा लाइसेंसिंग फीस मांग रहे हैं, उसी के चलते स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी गिरावट आया हुआ है और ये 386 आया हुआ है। अगर आप देखोगे आज इसने लो बनाया 375 का, लेकिन क्लोजिंग दी है 386 के आसपास। अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ 386 ये वाली, देखिए यहाँ पे एक बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ है। तो पिछले लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, इसी पॉइंट से देखिए बहुत सारे कैंडल ऊपर गए फिर नीचे आए, यहाँ पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला और इसी प्राइस पॉइंट से ये फिर से वापस बाउंस बैक किया और ऊपर गया। तो इसी प्राइस पॉइंट को आप नजर में रखो, 386 के लेके 370, ठीक है। तो अगर आपको नए बाय पोजीशन इनिशिएट करने हैं तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हो 370 से लेके 385 के अंदर, इसी के आसपास आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन कब बाय इनिशिएट करो, जब यहां से आपको स्टॉक फिर वापस ऊपर दिखने की ऊपर की ओर जाए। अगर नीचे की ओर जाता है तो आप इस पे बाय पोजीशन इनिशिएट मत करो।
अगर स्टॉक यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज होता है, 8-10 दिन, 10-15 दिन यहाँ पे स्पेंड करता है इसी रेंज के अंदर, 360 से लेकर 3785 के अंदर स्पेंड करता है, 2-4 दिन स्पेंड करता है, फिर से वापस ये ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, वापस स्टॉक ऊपर जाता है, तो तभी जाके आप इस पोजिशन से 370 से लेकर 385 तक आप बाय इनिशिएट कर सकते हो, और आपका इमीडिएट टारगेट रहेगा 450, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है 450 के आसपास, तो 370 से लेकर 385 के अंदर आप इनिशिएट करो और 450 के आसपास आप स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में जो रेलवे का जो डिमांड है लाइसेंसिंग फीस का, वो उसमें क्लैरिटी आएगी, और उसके चलते अगर रेलवे अपने जिद पे अड़ा रहता है तो स्टॉक के प्राइस में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप एग्जिट ले लो, जैसे ही 450 का रेंज आता है, 370 पर बाय कर सकते हो, 440-450 का रेंज आता है तो आप स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो शॉर्ट टर्म बेसिस पे। चलिए इसी के साथ हम बात करके कॉनकॉर के बारे में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।